नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। श्री करणपुर से हमारे संवाददाता जीवन सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार SFI ज्ञान ज्योति महाविद्यालय का 21 मेलन संपन्न, हरविलास अध्यक्ष, विनोद सचिव चुने गए। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। श्री करणपुर छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की ज्ञान ज्योति महाविद्यालय इकाई का सम्मेलन सोमवार को तहसील सचिव शिव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। महाविद्यालय की 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए SFI के जिला अध्यक्ष मुकेश मोहन पुरिया ने कहा कि ज्ञान ज्योति कॉलेज सरकारीकरण के लिए फिर से एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। सम्मेलन में 9 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले जल्दी ही विद्यार्थियों को लामबंद कर ज्ञान ज्योति महाविद्यालय का सरकारीकरण आंदोलन को तेज करने पर चर्चा हुई। इकाई कमेटी में हरविलास को अध्यक्ष, विनोद कुमार को सचिव चुना गया है। विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, शिक्षा संघर्ष जिंदाबाद, शिक्षा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्ञान ज्योति महाविद्यालय में विद्यार्थियों की एक बैठक करके और यहाँ की आगामी एक साल के लिए कार्यकारिणी गठित की है और उसमें जो आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश में विधानसभा शुरू होने जा रही है 9 तारीख से, उसको लेके इस इलाके में ज्ञान ज्योति कॉलेज सरकारीकरण की मांग को लेके आंदोलन को फिर से तेज करने के लिए, कॉलेज के अंदर मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए और उन तमाम बातों के लिए संघर्ष तेज करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश की सरकार ने जो 10 जुलाई 2018 को ज्ञान ज्योति कॉलेज सरकारीकरण की घोषणा की थी, उस लड़ाई को फिर से शुरू करेंगे। इस इलाके के विद्यार्थी को, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का विद्यार्थी हो चाहे वो ज्ञान ज्योति कॉलेज का विद्यार्थी हो, दोनों कॉलेज के विद्यार्थी को लामबंद करके आने वाले दिनों के अंदर इस प्रदेश की सरकार को चेताने का काम करेंगे और जो करणपुर के अंदर एक व्यापक विद्यार्थी आंदोलन फिर से खड़ा करेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।